खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के, जहां पर थाना डुमरियागंज के उप जिला अधिकारी क्षेत्र अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज द्वारा पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के अहम शख्सियतों ने हिस्सा लिया। बैठक में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर एवं रबीउल अव्वल पर होने वाले जुलूस पर चर्चा की गई। कोर्ट का जल्द फैसला आने वाला है, इस पे आप देशवासियों के क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, दे दीजिए ना, फैसले को हम सभी लोग स्वागत करेंगे और चाहे इस और सबको स्वीकार करना है। और यहाँ भारत देश जो ऐसा देश है जहाँ माताएं रहेंगी वहीं बेटा जन्म लेता है, तो भारत में ऐसे कोई लोग नहीं है जो यहाँ उसका उल्लंघन करेंगे। यहाँ सभी लोग स्वीकार करेंगे और सभी लोग एक दूसरे से मिल करके उसका सहयोग करेंगे, चाहे जो भी फैसला आए उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। जैसा कि 12 वफ़ात त्यौहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा और अभी जो है लक्ष्मी पूजा गई है, जिसमें हिंदू मुसलमान ने मिल आपसी मेल जोल का जो है पैगाम दिया है, तो 12 वफ़ात में आपका क्या योगदान रहेगा? बिल्कुल, हमारा भी ये सहयोग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना भारत देश जो है जहाँ अपने अपने धर्म को मानने वाले जितने भी तन मन धन से सहयोग कर पाएंगे, मानेंगे और व्यवहार कुशल संपन्न कराएंगे, उसमें कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला है, इस पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, तमाम देशवासियों को पुराने माहौल में फैसले का इस्तकबाल करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और सिलसिले में किसी तरह की कोई बदमनी ना हो, यही इस मुल्क की इस कौम की जिम्मेदारी। हर हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें, हमारी कौम को और मुझे उम्मीद है कि पूरे मुल्क को कबूल। आने वाले 12 रबीउल अव्वल के दिन आप प्रशासन से क्या तवक्को रखते हैं? प्रशासन से हमेशा की तरह यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हमेशा से प्रशासन ने अच्छा इंतजाम दिया है, इंसान भी अच्छा इंतजाम दिया।